अस्सलाम वालेकुम पाक व्लॉगर्स के साथ मैं हूं सईद जुनेद शाह। उम्मीद है कि आप सब खैर से होंगे। व्यूअर्स, आज मैं आपके सामने एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूं। मैं आज मौजूद हूं चुंगी अमर सद्दू मियां स्नोकर क्लब में। व्यूअर्स, यहां पे हमारे साथ ओनर मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि इन्होंने ये सफ़र कैसे तय किया, ये स्नोकर क्लब इन्होंने कैसे बनाया। वीडियो की तरफ जाने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी न्यू आने वाली वीडियो भी आपको मिलती रहें। मैंने ये स्नोकर के बारे में सुना है कि ये स्नोकर काफ़ी मशहूर है, यहाँ पे अच्छे प्लेयर्स हैं, इनके पास अच्छे प्लेयर जो हैं इंटरनेशनल लेवल तक भी जाते हैं और जाने भी हैं। अब इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? ठीक, अल्लाह का शुक्र। सर, आपका नेम? नसीब असलम। सर, मुझे बताइएगा कि आपने ये स्नोकर क्लब कैसे स्टार्ट किया और कहाँ से ये इतनी स्ट्रगल की और आज जो है आपके 7-8 जो हैं स्नोकर क्लब कैसे चला रहे हैं? ये हमें ख़ुद को शौक होता था। हमने सबसे पहले एक टेबल स्टार्ट किया हमने ना अपने लिए, दोस्तों के लिए, सरोपा गार्डन में। वहाँ से हमने ये बिज़नेस बना लिया अपना। तो माशाल्लाह 7-8 क्लब बेस्ट है मेरे 7 स्टार के नाम पे, मियां स्नोकर क्लब के नाम पे। ये माशाल्लाह टेबलें हमारी अपनी तैयार हुई, ये हम खुद तैयार कर रहे हैं टेबल। जितने भी टेबल शैंडर, वराका, रैजन, स्टार, ये सारे हमारे अपने टेबल तैयार हो रहे हैं। आपको कैसे शौक़ आया ये कि मैं ये स्नोकर क्लब, आप पहले खेलते थे? हमें इस तरह शौक पैदा हुआ मैं सके, जैसे जैसे हमने देखा पाकिस्तान में ये चीज़ हमें बेहतर लगी स्नोकर के हवाले से, ताकि ये हमारे पाकिस्तान में भी आगे प्लेयर जाने चाहिए। मतलब आपने पहले खुद खेला, फिर आपको जब यहाँ पे इसका इंटरेस्ट हुआ, आपने इंटरेस्ट लिया, फिर आपको शौक हुआ और आपने जो है इसे एज आ बिज़नेस भी ले लिया? जी जी बिल्कुल, हमने बिज़नेस बना लिया। वहाँ से हमने एक क्लब बनाया, 2 बनाए, फिर 3 बनाए, 4 बनाए, इस तरह करके 7-8 क्लब हमने बनाए। और यहाँ पे लड़के आते हैं आपके पास, अच्छे लड़के जो हैं जो नेशनल लेवल पर जाना चाहते हैं? वो हमारे पास प्लेयर हैं, शकील हैं और अली, वो भी नाम है। ये प्लेयर इंशाल्लाह हमारे इधर अच्छे, इधर के रहने वाले रैशी, चूँकि अमर सद्दू के रैशी हैं। तो उन्हें आप भेजेंगे? हाँ इंशाल्लाह हम उनको भेज रहे हैं। वो टूर्नामेंट अभी भी खेलने गए हैं, उसने जो खेलने के लिए गए हुए हैं, आज उनका मैच है। उन्हें आप खुद ही प्रमोट कर रहे हैं या कोई और प्रमोट कर रहे हैं? वो खुद ही स्ट्रगल करके खुद ही जा रहे हैं? खुद ही स्ट्रगल कर रहे हैं, खुद ही कर रहे हैं। तो आपको ये कभी दुश्वारी नहीं आई इसमें, इस काम में? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं है, हमें शौक है। हम क्लब ज़्यादा ज़्यादा अच्छे से अच्छे बनाएँ ताकि लड़कों को अच्छा खेलने के लिए मिले, अच्छा टेबल मिले, उनको अच्छी टेबल प्रमोट करें, हमारे प्लेयर जो अच्छी गेम खेल के बाहर भी जाएँ, टूर्नामेंट वगैरह खेलें, जुआ ना खेलें, इसको हम अच्छे मतलब कि बिज़नेस में शो कर रहे हैं। तो ये आप टीम वर्क ही कर रहे हैं, मतलब आपके पास 7-8 क्लब्स हैं, वो खुद अकेले ही मैनेज कर रहे हैं या लड़के वगैरह हैं आपके? नहीं नहीं, मैं खुद ही मैनेज कर रहा हूँ, कभी यहाँ कभी वहाँ। हाँ जी, हर क्लब पे मैं मैसे के चक्कर वगैरह लगाता हूँ, लड़के वगैरह रखे हुए हैं मैसे के उधर के। आप खुद भी अच्छे प्लेयर हैं? नहीं नहीं, मेरी इतनी नॉर्मल ही गेम, इतनी अच्छी गेम नहीं बस। अच्छा जी, आप इसके अलावा भी कोई बिजनेस कर रहे हैं? जी अब कोई नहीं, सिर्फ हम टेबल बना रहे हैं और ये स्नोकर क्लब वगैरह चला रहे हैं। मतलब टेबल यही बनाते हैं आप? हाँ जी टेबल यही बनाते हैं, शैंडल, वराका, स्टार, रैजन। मतलब आपने, आपको खेलने का शौक़ था और वहाँ से फिर आपने एक टेबल ली और फिर खेलते खेलते खुद ये टेबलें भी बनानी शुरू कर? जी जी, मुझे पहले खुद को खेलने का शौक़ था, हमने अपने लिए एक टेबल रखा था, वहाँ से हमें शौक़ पड़ गया, ये बिज़नेस भी हमने बना लिया, क्लब वगैरह बनाए हैं। कितना टाइम हो गया आपको ये कर? मुझे 20 साल हो गए हैं इस फील्ड में। इससे पहले मेरी जूतियों की और क्रॉकरी की दुकान थी, वो मैंने 20-22 साल चलाई है, साथ साथ मैंने ये साइड बिज़नेस रख लिया। फिर पहले तो खुद ही टेबल रखा है ना, टेबल से मुझे शौक़ पड़ गया, ये अच्छा बिज़नेस है तो चलें ठीक है हम इसको स्टार्ट करते हैं। फिर मैंने 2 टेबलों वाले क्लब बनाए, 3 टेबलों वाले बनाए, 7-8 क्लब इधर मैंने बनाए मुख्तलिफ जगह पर, आसिफ टाउन हो गया, नश्तर हो गया। सही हो गया। और यहाँ पे कोई प्लेयर अच्छे हैं आप मिलवा सकते हैं? हाँ जी हाँ जी, अच्छे प्लेयर हैं इधर, ये हमारे प्लेयर हैं इधर के, ये काफ़ी अरसे से मेरे 5-6 साल से खेल रहे हैं मेरे क्लब में और माशाल्लाह काफ़ी अच्छी गेम कर रहे हैं। जो भी जिधर भी मैं क्लब बनाता हूँ माशाल्लाह मेरे पास ये पहुँच जाते हैं। अच्छा जी, हम इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है आपके? शुक्र है खुदा का। आपका नाम? इमरान। अच्छा इमरान भाई, मुझे बताएं कि आप यहाँ पे कब से खेल रहे हैं? मैं सर इनके पास तकरीबन 6-7 साल हो गए हैं, पहले इनका चुंगी क्लब था, अब इधर आ गए हैं ये, तो जिधर भी जाते हैं हम इनके पास आ जाते हैं, क्योंकि इनका जो है ना वो प्यार बड़ा, इखलाक बड़ा अच्छा है। माशाल्लाह, अच्छी बात है, होना भी चाहिए। और
आपको ये शौक़ कैसे हुआ? शौक़ तो एक्चुअली जब हम स्कूल से भागा करते थे ना तब से ही है। स्कूल से भाग के क्लबों में जाया करते थे, गेमों का शौक़ है। तो आजकल ज़रा बच्चों को घर में ही सुकून है, मोबाइल मिले होते हैं, गेमें खेल लेते हैं, वरना हमारे दौर में तो स्नूकर में भाग के आ जाते थे क्लास में से, हैं स्कूल में से सुबह ही छुट्टी करके भाग जाते थे। तो क्लबों में इसी तरह से टाइम स्पेंड होता आदत बन गई। फिर बचपन से ही स्टार्ट किया हुआ है, खेलते जा रहे हैं बचपन से खेलते हैं। आप काफ़ी अच्छा खेलते हैं। बस यार खेल रहे हैं, इन्हीं के क्लब में खेलते हैं बस। कोई मतलब बचपन से खेल रहे हैं और कभी ख्वाहिश नहीं हुई कि मैं नेशनल तक जाऊँ? नहीं, वो उसके बाद फिर शादी हो गई, बच्चे हो गए, फिर ये है कि जॉब के बाद आके थोड़ा टाइम मिलता है तो आ जाते हैं क्लब में। अब आप क्या कर रहे हैं जॉब वगैरह? जॉब मार्केटिंग का है, कंस्ट्रक्शन फील्ड की। मैंने सुना तो है, वैसे आप यहाँ पे प्लेयर्स अच्छे हैं, हमें कोई शॉट्स दिखाएंगे आप? ज़रूर खेल लेते हैं, अच्छा खेल लेते हैं, लेकिन ये है कि शॉट एक आधी दिखा देते हैं आपको। चलो भाई ज़बरदस्त शॉट। माशाल्लाह अच्छे प्लेयर्स हैं, अच्छी शॉट्स मारी हैं इन्होंने। और मुझे यहाँ का भी बताएं थोड़ा सा कि आपको यहाँ का माहौल कैसा लगता है? यहाँ की सबसे पहली बात तो ये है कि एनवायरनमेंट बड़ा अच्छा है, इनके रूल्स बड़े अच्छे हैं, यहाँ पे जुआ खेलने नहीं देते हैं ये, ठीक है। बस ये है कि हम फ्रेंड्स होते हैं आपस में तो खेलते रहते हैं, आपस में गेमें खेलते हैं, माहौल अच्छा है इधर। जी नसीब साहब ने बताया कि यहाँ पे जो प्लेयर्स हैं अच्छे प्लेयर्स हैं, उनके आपको हमने शॉट्स भी दिखाए हैं, माशाल्लाह काफ़ी अच्छे प्लेयर थे। और यहाँ का उन्होंने माहौल के बारे में जो बताया, माहौल काफ़ी साफ़ सुथरा और एक डिसिप्लिन वाला माहौल है, यहाँ पे अच्छे प्लेयर्स आते हैं, बैटिंग वगैरह बिल्कुल नहीं होती, इस चीज़ से भी दूर है और होना भी चाहिए, माशाल्लाह अच्छी बात है। अक्सर जो हम लोकल जो हैं वो देखे हैं, ये एक ब्रांड की तरह ही है, और जो लोकल हैं वहाँ पर सब कुछ बैटिंग वगैरह होती हैं, ठीक है। और लोगों से जो मैसेज ये है कि जो खेलना चाहते हैं अच्छे, एक नेशनल प्लेयर की तरफ नेशनल तक जाना चाहते हैं, प्लेयर बन के यहाँ से जा भी सकते हैं, ये भेजते भी हैं भाई। और वीडियो होती है हमारी ख़त्म, इंशाल्लाह आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।